हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस आज हम फिर से जानने वाले हैं GTA सीरीज के टॉप 15 मिथ्स जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड ये मिथ बस्टर सीरीज की वीडियो नंबर 2 है, तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद पार्ट 1 को जरूर चेक करना। और गाइस पिछली बार तो हमारा 17K लाइक्स का एम तो एक दिन में ही कंप्लीट हो गया था, इसलिए आज का लाइक एम हम रख रहे हैं 20,000 लाइक्स। एंड आई नो आप लोग बहुत ही आराम से करवा दोगे। एंड गाइस मैंने देखा है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब काफी कम लोगों ने किया है, तो गेमिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आप फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। अगर आप GTA San Andreas में पेडेस्ट्रियंस के ग्रुप पे स्मोक ग्रेनेड फेंकते हो और उसके बाद किसी एक पेडेस्ट्रियन को स्मोक के अंदर नाइफ से स्टेल्थ किल करते हो तो जितने भी पेडेस्ट्रियन स्मोक की वजह से कफ कर रहे होंगे उन सभी पे स्टेल्थ किल वाला एनिमेशन आएगा। तो यार सीरियसली मुझे ये वाला में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो चलो इसे ट्राई करके देख लेते हैं कि आखिर ये काम भी करता है या फिर नहीं। ओके, तो मुझे यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस काफी ज्यादा दिख रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे स्मोक ग्रेनेड फेंकूंगा और फिर हम देखेंगे कि आखिर ये काम करता है या फिर नहीं। तो हाँ यार मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेडेस्ट्रियन पे स्टेल्थ किल किया था लेकिन इसका इफेक्ट तो उन सारे पेडेस्ट्रियंस पे पड़ा जो कि कफ कर रहे थे। एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। स्टेप 1, GTA San Andreas में आप सीजे को किसी भी पानी वाले जगह के किनारे ले जाओ, कार लेकर आओ और उसे ऐसी जगह पर खड़ी कर दो कि जब आप उस कार से बाहर निकलो तो आप पानी में गिर जाओ। स्टेप 2, किसी NPC को मारो और वापस आकर कार में बैठ जाओ। स्टेप 3, जब आप कार में बैठोगे तब वो NPC आएगा और आपको कार से बाहर फेंक देगा, और जब ये NPC हमें पानी के अंदर फेंक देगा तब हम पानी के अंदर चल सकते हैं और चीट का यूज करके किसी कार को स्पॉन कर सकते हैं और उससे पूरे समुद्र को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी होता है क्या? मैंने तो कभी भी ऐसी किसी चीज के बारे में सुना ही नहीं था, तो चलो इसे भी टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कार को बिल्कुल इस तरीके से खड़ी कर दिया है जिससे कि अगर कोई भी NPC मुझे बाहर फेंकेगा तो मैं सीधे पानी में गिरूंगा। तो अब बारी है किसी NPC को गुस्सा दिलाने की। तो अभी ये मेरा पीछा कर रहा है और अब मैं जाकर कार में बैठ जाता हूँ और फिर देखेंगे कि आखिर ये मिथ काम करता है या फिर नहीं। तो हाँ यार जैसा कि हम सभी देख सकते हैं मैं पानी के अंदर बिल्कुल नॉर्मली चल पा रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने इवन कार और जेट पैक को भी ट्राई कर लिया जो कि बहुत ही आराम से पानी के अंदर भी चल रहे हैं। एंड इसी के साथ ये मिथ भी हो जाता है कंफर्म। अगर हम GTA 3 में एयरपोर्ट जाकर वहाँ पे एक टैंक स्पॉन करें और उसके बाद लो ग्रेविटी चीट टाइप करके बार बार टैंक से मिसाइल फायर करें तो हमारी टैंक हवा में उड़ने लगेगी। तो चलो फिर इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एयरपोर्ट ही ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि GTA 3 गेम के अंदर फुल साइज मैप तो है ही नहीं और ना ही मुझे इस गेम की सारी लोकेशन याद है। तो फाइनली मैं किसी तरह एयरपोर्ट पे आ चुका हूँ और अब मैं लो ग्रेविटी चीट टाइप करके टैंक से बार बार कैनन फायर करूंगा और उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हाँ जैसा कि हम सभी यहाँ पे देख सकते हैं कैनन को फायर करने से तो हमारी टैंक हवा में उड़ रही है और ये काफी ज्यादा कूल भी लग रहा है। तो इसी के साथ ये मिथ भी हो जाता है कंफर्म। अगर हम GTA 5 के लास्ट मिशन में माइकल को मारने वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो माइकल के मर जाने के बाद अगर आप रात के 3 बजे उसके घर जाते हो तो वहाँ पे हमें माइकल की फैमिली दिखेगी जो कि माइकल के घोस्ट को लाने के लिए चैंटिंग कर रहे होते हैं। अब यार ये मुझे सुनने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा है और सच बताओ तो मैंने इसे कभी ट्राई भी नहीं किया। तो अब मैं इसे टेस्ट करने के लिए माइकल को मारने वाला मिशन स्टार्ट करता हूँ एंड माइकल के मर जाने के बाद हम उसके घर जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि आखिर ऐसा होता भी है फिर नहीं। तो अभी हम देख सकते हैं कि माइकल मर चुका है और अब मैं माइकल के कैरेक्टर पे स्विच भी नहीं हो पा रहा हूँ, तो अब हम उसके घर चलते हैं। तो यार यहाँ पे सारे डोर्स तो बिल्कुल लॉक हैं और मैं अंदर भी नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे मॉड का यूज करके अंदर जाने की कोशिश करूंगा। तो यार मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर लिया और मुझे यहाँ पे माइकल की फैमिली तो दिखी ही नहीं। एंड इसका मतलब है कि ये मिथ बस्टेड है।
अगर आप GTA 5 में सिविलियन NPC के बॉडी को बर्न करते हो तो हमारे ऊपर कोई भी वांटेड लेवल नहीं आएगा, लेकिन वहीं अगर आप गेम के अंदर किसी कॉप के बॉडी को बर्न करते हो तो हमारे ऊपर 3-स्टार वांटेड लेवल आ जाएगा। ओके, तो इसे टेस्ट करने के लिए मैं गेम के अंदर वेस्पुची बीच पे आ चुका हूँ और अब मैं सिविलियन NPC को मारकर बर्न करूंगा और फिर हम देखेंगे कि हमारे ऊपर वांटेड लेवल आता है या फिर नहीं। तो नहीं, इस NPC को मारने पे तो कोई भी वांटेड लेवल नहीं आया। एंड अब हम यही सेम चीज किसी कॉप के साथ भी ट्राई कर लेते हैं। तो हाँ यार, कॉप की बॉडी को बर्न करने पे तो हमारे ऊपर 3 स्टार्स आ जाते हैं एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। GTA 4 गेम के अंदर एक बहुत ही अच्छा ग्लिच है जिससे कि अगर आप लिबर्टी सिटी बैंक के बाहर किसी भी व्हीकल को बार बार स्पॉन करते हो और फिर बाद में जाकर उस पर बैठ जाते हो तो आप बैंक के अंदर जा पाओगे, जो कि नॉर्मली गेम के अंदर एक्सेसिबल नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ लिबर्टी सिटी बैंक के बाहर और मैं यहाँ पे सेंचेस बाइक को बार बार स्पॉन करूंगा और फिर हम देखेंगे कि आखिर ये ग्लिच काम करता है या फिर नहीं। तो हाँ, ये ग्लिच तो 100% वर्किंग है एंड मैं लिबर्टी सिटी बैंक को एक्सप्लोर कर पा रहा हूँ, जो कि नॉर्मली गेम में एक्सेसिबल है ही नहीं एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। अगर हम GTA Vice City में रात के 3 बजे टॉमी के मेंशन में जाएंगे और उसके बेसमेंट को एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ पे हमें डीएस का घोस्ट दिखेगा। तो चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ टॉमी के मेंशन में और अब हम बेसमेंट के साथ साथ पूरी बिल्डिंग को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमें डीएस का घोस्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं। तो नहीं, मैंने मेंशन को तो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोर किया एंड मुझे कहीं पे भी डीएस का घोस्ट तो नहीं दिखा, तो इसका मतलब है कि ये मिथ बस्टर्ड है। अगर आप वाई सिटी में किसी NPC की कार को चोरी करते हो और फिर एस्केप दबाकर 15 से 20 बार बिग बैंग टाइप करते हो और उसके बाद जब आप अपने गेम को रेज्यूम करोगे तब आपकी कार बहुत ज्यादा हाइट गेन कर चुकी होगी। ओके, तो मैं इस NPC की कार को चोरी करता हूँ और फिर मैं एस्केप दबाकर 15 से 20 बार बिग बैंग टाइप करूंगा। तो हाँ यार, मेरी कार तो बहुत ज्यादा हाइट गेन कर चुकी है और इतनी ज्यादा हाइट से वाई सिटी को देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और इसी के साथ ये मिथ भी हो जाता है कन्फर्म। अगर हम GTA San Andreas में व्हीलचेयर वाली जगह पर जाएंगे तो वहां पे हमें रात के समय में एक आदमी दिखेगा जिसके अगर हम पास जाने की कोशिश करेंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ व्हीलचेयर वाली जगह पर। तो अभी दिन का समय इसलिए हम रात होने तक का वेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमें वो आदमी दिखता है या फिर नहीं। तो नहीं यार, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया एंड मुझे यहाँ पे कोई भी आदमी या फिर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं दिखी एंड इसका मतलब है कि ये मिथ बस्टर्ड है। अगर हम GTA 5 के अंदर बाटी बाइक लें और उसके फ्रंट व्हील को पंक्चर कर दें एंड बाइक को मैक्स स्पीड से स्टॉप ही कराएं तो हमारी बाइक इनफाइनाइट स्टॉप ही करेगी। ओके, तो ऐसा भी होता है क्या? चलो फिर इसे भी टेस्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे और मैंने यहाँ पे अपने बाइक के फ्रंट व्हील को पंक्चर कर दिया है और अब मैं बाइक को फुल स्पीड पर चलाऊंगा और फिर स्टॉप ही करूंगा। तो हाँ यार, मेरी बाइक तो इनफाइनाइट स्टॉप ही कर रही है और ये एयरपोर्ट भी इसके लिए छोटा पड़ जा रहा है, वरना ये बाइक और भी ज्यादा आगे जाती एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है।
GTA Vice City में नॉर्थ पॉइंट पे जाओ और नॉर्थ पॉइंट पे जाने के बाद जब आपकी व्हीकल रुक जाए तो उसे रिवर्स में चलाओ, जिससे कि आप GTA Vice City के घोस्ट टाउन में पहुंच जाओगे। ओके, तो चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैप की लिमिट है एंड अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं मैप में बिल्कुल भी आगे नहीं जा पा रहा हूं। और अब मैं अपने व्हीकल को रिवर्स करूंगा और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो नहीं यार, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी व्हीकल तो रिवर्स में भी इस पॉइंट के आगे नहीं जा पा रही है एंड इसका मतलब है कि ये मिथ बस्टेड है। GTA San Andreas में आप किसी भी NPC को इमॉर्टल बना सकते हो। स्टेप 1, किसी भी NPC को मारपीट कर उसे गुस्सा दिला दो ताकि वो आपका पीछा करने लगे। स्टेप 2, किसी कार में बैठ जाओ। स्टेप 3, अपनी कार को पेंट स्प्रे लेकर जाओ एंड अपनी कार के साथ साथ NPC को भी गैरेज में बंद कर दो। एंड एक बार जब आपकी कार पेंट हो जाएगी तो इसी के साथ साथ NPC भी इमॉर्टल बन जाएगा। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैंने इस NPC को मारकर गुस्सा दिला दिया है और अब हम देख सकते हैं कि ये हमारा पीछा कर रहा है। अब मैं यहाँ पे एक कार लूंगा और इस NPC को भी पेंट स्प्रे में लेकर जाऊंगा। ओके, तो मैं भी गैराज से बाहर आ गया हूँ और अब मैं इस NPC पे मिनी गन से शूट करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो हाँ यार, इस NPC को तो इतनी सारी गोलियां लग गई लेकिन ये अभी तक नहीं मरा एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। अगर आप GTA San Andreas में रात के समय में ग्रोव स्ट्रीट पे आते हो और उसके बाद CJ के घर के अंदर जाते हो तो वहाँ पे आपको CJ की मॉम की आवाज सुनाई देगी। ओके, तो मैं आ चुका हूँ ग्रोव स्ट्रीट में और अब मैं इस एरिया को एक्सप्लोर करके देखूंगा कि हमें CJ की मॉम की आवाज सुनाई देती है फिर नहीं। तो नहीं यार, मुझे यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी, इसका मतलब है कि ये मिथ बस्टेड है। अगर आप GTA 5 के फादर एंड सन मिशन में माइकल के बेटे जिमी या फिर फ्रैंकलिन को बोट से गिरने से बचाते नहीं हो तो गेम के अंदर एक सीक्रेट कट सीन चलेगा। तो अभी मैंने फादर एंड सन मिशन को स्टार्ट कर दिया और अब मैं पूरे मिशन में फ्रैंकलिन या फिर जिमी को बचाऊंगा नहीं और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो हाँ, यहाँ पे एक सीक्रेट कटसीन चला जो कि मैंने इससे पहले कभी भी नहीं देखा था एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। GTA 5 के अंदर हम ट्रेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको पलीटो स्कोर हाइस्ट कंप्लीट करना है एंड हाइस्ट के बाद जब ट्रेन जा रही होती है तब अगर आप उस ट्रेन पे स्टिकी बॉम्ब फेंकते हो और फिर उसे डेटोनेट करते हो तो ट्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे परीटो स्कोर हाई स्टार्ट कर दिया है और इसके कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ यार, यहाँ पे ट्रेन तो सच में डिस्ट्रॉय हो गई एंड मुझे नहीं पता था कि GTA 5 के अंदर हम ट्रेन को डिस्ट्रॉय कर भी सकते हैं या फिर नहीं एंड इसका मतलब है कि ये मिथ कंफर्म्ड है। तो गाइज, ये थे GTA सीरीज के टॉप 15 मिथ्स जो कि आपको पसंद जरूर आए होंगे एंड आप में से कई सारे लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मिथ्स भेजे हैं जिन्हें मैं एक वीडियो में तो इंक्लूड नहीं कर सकता। इसलिए मैंने अगर आपके मिथ को इस वीडियो में पिक नहीं किया तो हो सकता है कि आपके मिथ को मैं नेक्स्ट वीडियो में पिक करूं। फिलहाल के लिए मैंने सभी को क्रेडिट दे दिया है जिन्होंने मुझे मिथ्स भेजे थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर मैंने आपके मिथ को पिक किया या फिर वीडियो में आपका नाम आया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप आगे से आने वाली किसी भी वीडियो को मिस ना करो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।